बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ये दुआ है कि मैं देखने वाले जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मैं हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें जी, अभी सब घर वाले जी उठ गए हैं, तो भाभी लगा रही है जी बिस्तरों को, जाना तय लगा रही है। तो अबू भी बिल्कुल उठ गए हैं, लेकिन अम्मी अभी जाना वो सो रही हैं, क्योंकि उन्होंने काम गया तो करना नहीं होता। फिर उनको उनका वो कहती है कि मैं जाना वो जल्दी उठ के क्या करूँगी। तो हम कहते हैं कि आप जाना वो आराम से सो लें। तो अभी जी मैं दिखाती हूँ आपको कि अबू क्या कर रहे हैं और भाभी जाना क्या कर रही हैं, कि सुबह सुबह जाना वो गाँव में उठ के सभी काम जाना वो कैसे किए। तो जी अम्मी भाभी लगा रही है जी मेरे बिस्तरे को तय। तो ये देखें जी, अभी जो है ना वो सो रही हैं अम्मी, और छोटे भाई जो है ना वो भी सो रहे हैं। तो बाकी सब घर वाले जो है ना मुकम्मल उठ गए हैं। तो भाभी मुझे बोलती है कि नैवे जब तुम उठती हो तो अपना बिस्तरा जाए, उसको भी तय नहीं लगाती हो, मुझे लगानी पड़ती है। तो मैंने कहा कि भाभी पहले तो मैं लगा लेती हूँ, तो आज ही जो है ना वो आपको लगानी पड़ रही है, कोई बात नहीं आज लगा दें। तो सुबह सुबह से जो है ना बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना वो आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, तो चलें। तो जी अब्बू तो जो है ना वो जब अजानें आती है ना तो तभी उठ जाते हैं, सबसे पहले अब्बू उठते हैं। तो अब्बू ने अपना बिस्तरा जो है ना उसको खुद ही तय लगा लिया है हमारे आने से पहले ही, उठने से पहले ही। तो अभी भाभी देखें जी बर्तन उठा के आ गई हैं, भाभी धोने लगी हैं जी बर्तन। और ये भाभी की जो है ना ड्यूटी लगी हुई है, हम अगर इंडिया नहीं भी बनाते ना तो सुबह का ये जो बर्तन और नाश्ता आटा वगैरह जो गूंदना होता है ना, वो सभी काम भाभी करती हैं। तो बाकी के काम जो है ना मैं करती हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैं सुबह सुबह जो है ना क्या करती हूँ। बहुत ही जो है ना वो अच्छा काम है जो मैं करती हूँ। तो जी देखें हमारे सूरजमुखी को जो है ना वो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। तो जब हमने ये पहले लगाया था ना तो सिर्फ एक फूल ही से लगा था, तो अब जब हमने इसका बीज लगाया ना तो माशाल्लाह से इसके इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हैं। एक जो है ये तो देख के थोड़ा सा जो है ना वो बूझा बूझा लग रहा है, लेकिन जो छोटे हैं ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्यारे प्यारे और ये ताज़ा फूल के लिए उन्हें कितने प्यारे सुबह सुबह लग रहे हैं। और अबू अभी निकाल रहे हैं जी गाय का दूध। जी अभी अब्बू जाने लगे हैं चारा लेने के लिए, तो उतनी देर में हम जाना नाश्ता भी बना लेंगे। तो अब्बू जाना वो वापस जब आ जाएंगे ना तो तभी जाना वो आके नाश्ता करते हैं। तो फिलहाल इस टाइम को जाना वो लस्सी पी के जाना वो चारा लेने के लिए चले जाते हैं। तो जी अभी भाभी ने बर्तन लिए हैं धो, तो अभी वो जो है ना वो आटा गूंदने लगी हैं। तो मैंने कहा है कि जी अभी आप कहें तो मैं आपकी हेल्प करूँ नाश्ता बनाने में। तो भाभी पता है क्या कह रही हैं, वो कह रही है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक काम पड़ा हुआ है जो सबसे बड़ा है, तुम जब करोगे ना तुम्हें पता चलेगा, जब पता चल जाएगा। फिलहाल नाश्ता तो मैं अकेले ही बनाऊँगी, तो जो काम पड़ा हुआ है ना वो जो है ना वो तुम कर लेना। तो अभी जी अबू जो है ना वो जा रहे हैं बाहर जानवरों को बांधने के लिए। तो घर में हमारे जो है ना वो छांव ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम जानवर जो ना बाहर जान दरख्तों के नीचे बांधते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी होती है। तो दोपहर को वहाँ पर बांधते हैं और शाम को हम जो है ना इनको यहाँ पर चारा डाल देते हैं।
जी देखें अभी लिश भाजा ना वो भी उठ गई है और कह रही है कि फूफो मुझे लगी हुई है भूख, तो भाभी जला रही है जी तंदूर। तो मैंने कहा है कि तुम ना रखो, अभी जाना तुम्हारी मम्मा तंदूर जला रही हैं, तो अभी ये बनाए गए जी रोटियां तंदूर पे, तो मैं बना लेती हूँ साथ में जी लस्सी जल्दी से, क्योंकि जो है ना सुबह सुबह आज भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि आज मान रही है जी तंदूर की रोटी, क्योंकि तंदूर की रोटी काफ़ी ज़्यादा जो मज़ेदार लगती है। चलें जी अभी मैं बना लेती हूँ लस्सी, निशवा तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी लस्सी बना लेती हूँ। हाँ जी तो जी देखें रोटियां अभी जाना हमने लगा ली हैं सारी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जा रहा हो अभी भूख लगी हुई है, मैं भाभी को कह रही हूँ कि जी मुझे तो अभी रोटी दे दें, क्योंकि मुझे तो सब्र नहीं हो रहा जी, तंदूर की रोटी घी लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पराठे हैं। तो लिश भाभी कह रही है कि मुझे भूख लगी हुई है, तो भाभी कह रही है नहीं कि भाई तुम्हें सबके साथ ही रोटी मिलेगी, पहले नहीं दूँगी मैं।